कोई सुरक्षित नहीं है, महिला कोई रामराज नहीं है, धमकियां मिल रही है आज के दिन तक। आज तक कभी हमको धमकी नहीं कोई दिया था पहले के सरकार में, आज के सरकार में धमकी मिल रही है। अगर देश को बचाना है तो जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाना ही पड़ेगा। हम सोतों को जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। नेता नेती का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। 2200 रुपया में क्या महंगाई में कोई क्या करेगा? 2200 रुपया में परिवार चला सकते हैं? दिन हम लोग काम करते हैं, उसकी मजदूरी कुछ भी नहीं। हम लोग जा करके गरीब महिला को आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करा रहे हैं। हम लोग अपना मर रहे हैं, हमारे परिवार मर रहा है। हम लोग का आज तक आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं बना है। शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं और पहले साथ में ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे सारी महिलाएं मौजूद हैं, ये सारी आशा वर्कर्स हैं। और आप इस पोस्टर पे देखिए, दिल्ली चलो लिखा हुआ है, ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ता कल्याण सेवा, आप इस पोस्टर पे लगा हुआ देख सकते हैं। ये तमाम जो है इस पे एक पे दिल्ली चलो लिखा हुआ है, दिल्ली चलो इस तरीके से है। और मेरे साथ एक मैडम है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सारी चीज़ें महिला सुरक्षित हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है देश में, तो क्या दिक्कत है? आ जाइए। हाँ देखो, दिक्कत क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ सुरक्षित हैं, क्यों जंतर मंतर पर इनको आने की जरूरत पड़ती? देखिए, आशा और आंगनवाड़ी दोनों के एजेंडा में है जनसंख्या समाधान, जनसंख्या नियंत्रण। इनको फैमिली प्लानिंग का काम दिया जाता है, इनको टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर ऑल की बात की जाती है इनसे, कि आप फील्ड में जाइए, दो बच्चों के कानून की बात कीजिए, आप फील्ड में जाइए, हम दो हमारे दो की बात कीजिए। तो बताइए कौन मानेगा इनकी बातों को? जब सरकार चिंतित है जनसंख्या को लेकर तो कानून बनाए। तो अभी दिक्कत वैसे क्या आ रही है इन लोग? दिक्कत क्या है, देखिए जो ये सब मानदेय कर्मी हैं, इनका तो मानदेय फिक्स भी नहीं है। बेचारी आशा बहने हैं, इनका मानदेय फिक्स भी नहीं है, जैसे आंगनवाड़ियों का फिक्स है और किसी डिपार्टमेंट में 2000, 4000, 10000 कुछ फिक्स तो है, इनका वो फिक्स भी नहीं है। बार बार, एक बार नहीं कितनी बार जंतर मंतर पर इन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, उनको बराबर आश्वासन मिला। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज से लगभग 10-20 दिन पहले भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद थे, उसमें कुछ लोग मौजूद थे रसोई जो खाना बनाते सरकारी स्कूल में, कुछ आशा बहु और आंगनबाड़ी के लोग थे। उसमें बहुत विशाल प्रदर्शन हुआ था, आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने कवर भी किया था। और आज फिर से आशा बहु यहाँ पे, कहाँ कहाँ से आई हैं? पूरे, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश से हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की। यानी कि जहाँ पे राम राज की बात की जाती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जाती है, बीजेपी सरकार हमेशा नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? सब कुछ तो सही चल रहा है बाबा, योगी सही कर, कुछ सही नहीं है। वादा किए हैं, वादे निभाए नहीं है, वादा खिलाफी हो रही है। और वादा याद दिलाने जाओ तो बदले में मिलती हैं लाठियां, मानदेय काट दिया जाता है, सेवा से पृथक कर दिया जाता है। आप बोल रही हैं लाठियां मिल रहा है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, सबका साथ सबका विकास, राम मंदिर बना दिया, सारी चीजें हो रही है। अभी देख रही हैं अतीक माफिया को मार दिया गया है, इतना अच्छा सुरक्षा है वहाँ पे, और आप लोग? हाँ ये सुरक्षा है, ये अच्छी सुरक्षा है क्या? तो किसी को भी मार दिया जाएगा ऐसे तो? वो तो अपराधी था। अरे अपराधी था तो अपराधी को अपराधी की तरह ही तो दंड दिया जाता है, इससे क्या दिक्कत है? ठीक है वो अपराधी था, ये तो बहने अपने मांगों के लिए हैं, मांगों के लिए लड़ रही है ना लगातार। इतना जबकि सरकार जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जो है सरकार बैठी है, वो कहती है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं बेटी, कोई सबका साथ कोई सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ मानदेही शोषण की सबसे बड़ी परिभाषा है। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और सब कुछ एक जो संविदा कर्मी मानदेय कर्मी है उनको कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी हमारी सबसे बड़ी चीज है कि हम तो अपनी बहनों को भी कहते हैं कि देश बचेगा तो नौकरियां बचेंगी, आप देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और सख्ती से लागू करें। तो देख सकते हैं ये लोग अहम भूमिका निभाती हैं, जो एक कानून है या जो अवेयर करने के लिए लोगों को कहा गया है कि आप दो हम दो हमारे दो कम से कम परिवार बनाइए, इससे कि ताकि हम सबके पास अनाज राशन और सब अच्छे तरीके से जी पाए। मोदी जी से कह दो कि हमारा दो बच्चों कानून पास कर दे, नहीं तो हम खाट खाट कर देंगे, हम जाट है वो जरा उसके, हम ये बता रहे हैं मोदी, स्पष्ट कह दिए उनसे है, हम पहले भी आए थे, उन्होंने वादा किया था। अगर देश को बचाना है तो जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आएगा साहब। देखो जनसंख्या आधी हुई थी, दूसरा महाभारत हो जाएगा, दूसरा महाभारत इस देश के अंदर महाभारत दूसरा हो जाएगा, जनसंख्या आधी बढ़ेगी। आज तो
वाहनों की भीड़ लगी है, जाम लगे हैं, कल को आदमियों को जाम लगेंगे। दूसरे मुल्कों में जाकर देखो कि वहाँ क्या हालत हो रही है, जैसे पाकिस्तान हमारे लंका है, ख़राब हालत हो रही है, लोन तक नहीं मिल रहा। तो हमारे जो देश जो सोने की चिड़िया थी, अगर उसे सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो दो बच्चों वाला कानून मोदी जी सरकार को लाना ही पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, सब कुछ हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक है। नहीं, हम तो सबके लिए कह रहे हैं, हम तो ये दो बच्चों का कानून सब पर लागू हो, किसी हिंदू के लिए ही नहीं कह रहे हम, सब पर नियम लागू होना चाहिए। हालांकि सवर्णों ने तो वैसे खुद ही कमजोरी अपने कंट्रोल खुद कर रखा है, लेकिन सभी लोगों पर यदि कानून बन जाएगा। सवर्णों ने कंट्रोल कर रखा है। हाँ, उसने किया है कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कानून बने जो सब पर लागू हो, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वो कानून सब पर लागू होना चाहिए। ये मोदी सरकार तक हमारी आप ये बात पहुँचा दें। कहते हैं कि मोदी जी है मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान ज्यादा जनसंख्या वृद्धि करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को जो है ये तो अपनी संख्या बढ़ाने पे लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, वो स्वतः ही उन्होंने कर रखा। तो एक साथ तो समाज में होना चाहिए, जहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जहाँ अनपढ़ लोग हैं वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो किसी भी जाति धर्म का है, जहाँ एजुकेटेड लोग हैं वहाँ नहीं है। अब तो शिक्षा घर घर पहुँच रहा है, घर घर शिक्षा पहुँच रही है, लेकिन लोग पूरी तरह से जागरूक कितने भी हो जाए, देखिए अब हमारा जागरूकता से काम नहीं चलने वाला है। हम सोतों को जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। क्या कहेंगी, आपकी मांगे पूरी होंगी, लगातार आप लोग मांग मांगने के लिए आ रही हैं। नहीं, मांगे पूरी होगी तो फ्री वाला काम कराते हैं, दस्तक अभियान कराते हैं, संचारी कराते हैं, बंद करें। जब कमीशन दे रहे हैं तो जिस काम का पैसा मिलेगा वही हम लोग काम करेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे। सरकार तो कहती है कि हम बेटियों के लिए काम करते हैं, बच्चियों के लिए काम करते हैं, बेटियों के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को बच्चे, हम लोग का खुद भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग का बच्चों का, हम लोग लगे रहे जनता के सेवा में, हम लोग का बच्चे को भविष्य उसी तरह खराब हो रही है। 2200 रुपया में क्या महंगाई में कोई क्या करेगा, 2200 रुपया में परिवार चला सकते हैं? पुरुष तो चला ही नहीं सकता, तो महिला कैसे चलाएंगे? क्या होगा देश का, क्या होगा जब सरकारें एक तरफ वादा करती है और एक तरफ आप लोग को धरने पे आना पड़ रहा है? क्या होगा, हॉस्पिटल बंद करेंगे हम लोग, डिलीवरी नहीं, प्रसव नहीं करने देंगे और टीकाकरण नहीं करने देंगे। आशा ही है जो टीकाकरण कराती हैं, प्रसव कराती हैं, आज उन्हीं का देन है कि जच्चा बच्चा सुरक्षित है। टीकाकरण कराते हैं हम लोग, संचारी करते हैं, जब महिलाओं को बताया, साफ सफाई के बारे में बताया जाता है कि घर का साफ सुथरा रहना है। आशा बहु हम लोग घर घर में जाते हैं, गरीब महिला को बताते हैं कि आप लोग साफ सफाई रखिए घर में, और गर्मी का मौसम में भी आप बच्चों को किस तरह बचाया जाता है, हम लोग सलाह देते हैं। संचारी में भी, दस्तक अभियान में भी, किसके घर में, ये फ्री में हम लोग का 15 दिन दस्तक चलवा रहे हैं, 10 दिन संचारी चला रहे हैं, हम लोग का उसमें एक भी पैसा नहीं है। इस तरह का धूप है, इस धूप में हम लोग घर घर जा कर के संचारी और दस्तक कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो किसका विकास हो रहा है फिर? पता ना किसका, नेता नेती का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। हमारे नेता है, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, काम तो हम लोग करते हैं पर उनका फायदा होता है उसमें हम लोग बस मारे जा रहे हैं। हमको 1 रुपये नहीं मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, 1 रुपये भी नहीं, बात नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर अधिकारी से पैसा हम लोग का जो मानदेय मिलता है वो भी हम लोग का काट, जिले से लेकर अस्पताल बंटवारा हो जा रहा है, हम लोग का सही से नहीं मिल रहा है। उसमें हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं अभी तुमको निकल के दूसरे को कर देंगे। क्या सरकार बैठे है गद्दी पर, उसको चुनाव में जीते हैं तो क्या उसको हटा कर कोई बन सकता है? यहाँ पर तो आशाओं के जगह पर दूसरी नया नियुक्ति की जा रही है, आशा अपने में लड़ रही है, यही तो किया जा रहा है, पैसा लेकर के नियुक्ति किया जा रहा है, आशाओं को लड़ाया जा रहा है, और जो भी पैसा है बंडरबांट किया जा रहा है, जो भी हम लोग को मानदेय हो जाएगा लोग लूट नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार भी हम लोग को नहीं सुन रही है, पीड़ा को कि हम लोग का मानदेय एक निश्चित, सब लोग का मानदेय है, वेतन है, तो हम लोग क्यों कमीशन पर, कमीशन है तो क्यों कमीशन पर, हर काम पर पैसा है तो क्यों हम लोग को फ्री में दस्तक कराती है, क्यों प्रचार करा रही है, संचारी करा रही है? हम लोग घर घर जा कर उनका स्टीकर लगा रहे हैं, जा करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। हम ही लोग के बारे में, हम लोग बच्चे, हमारे लोग का बच्चे खुद को उपस्थित हो रहे हैं, हम लोग का बच्चे ना सही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना सही इलाज हो रही है,
हम लोग अपने ही शरीर से हम लोग कुपोषित हो गए हैं। क्या हम लोग का कोई हम लोग जा करके गरीब महिला को आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करा रहे हैं। हम लोग अपने मर रहे हैं, हमारे परिवार मर रहा है। हम लोग का आज तक आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं बना है कि हम अपना इलाज अपने अच्छे से करा सकें। यही तो है हम लोग का। हम लोग का एक नरेगा वाले जो भी हैं वो भी हम लोग से अच्छे हैं। हमारी काम 24 घंटा का है। ये निकलते हैं महाराज जी, चाहे मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब, इन लोगों को सेक्रेटरी लगी रहती है, जान का हमला हो रहा है। हम महिला होकर के, हम लोग महिला होकर के 24 घंटा 12 बजे 1 बजे हम लोग निकल जाते हैं रोड पर। उनसे तो अच्छे हम हैं, आप तो एक पुरुष होकर के डर रहे हैं, जान का हमला हो रहा है। हम तो एक महिला होकर के सीना तान के जनता के बीच में जा रहे हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। 2200 रुपया में वो भी हम लोग को बंदर बाट हो रहा है, पैसा सही से नहीं मिल रहा है। आप लोग वादा किए थे मेरा सरकार आएगी, हम महिलाओं का कर देंगे। क्या महिलाओं क्या हो रही है? महिलाएं सुरक्षित है, रामराज आ गया। सुरक्षित है? कुछ सुरक्षित नहीं, रामराज आ गया है। कोई सुरक्षित नहीं है महिला, कोई रामराज नहीं है। अब आया जो भी आवाज उठा रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है ना, उसको मार दिया जा रहा है। क्या रामराज हो रहा है? क्या धमकियां मिल रही है? आज के दिन तक आज तक कभी हमको धमकी नहीं कोई दिया था पहले के सरकार में, आज के सरकार में धमकी मिल रही है रिगार्डिंग के सबूत के सहित हम दिखा सकते हैं। और मोबाइल नहीं है, घर पर मोबाइल रखे हैं, उसका पिन खराब हो गया था, हम सुना देंगे। पता नहीं कौन दे रहा है, हम तो पुलिस चौकी पर थाने पर ले आकर के मतलब उसको लेके धमकी देता है। कह रहा है कि अब कि हम अपहरण करा लेंगे, ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, सब कर रहा है। अगर आप बोलिए हॉस्पिटल पर तो आप ही के खिलाफ देखिए ना, वो निकालने का धमकी है, जान का मरने की धमकी है। किसी जगह मतलब ठिकाना नहीं रहता, इसके साथ क्या हो जाए? कोई हम लोग का सुरक्षित करने वाला नहीं है। हम लोग अपना सुरक्षा अपना ना करे तो हम लोग को कोई करने क्या करेंगी? अभी 2024 में चुनाव आने वाला है, आएंगे अब आगे जब नहीं हम लोग कह रही है, देख सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लोग जो है जितनी भी महिलाएं ये सारी उत्तर प्रदेश से आई हुई है, और ये लोग कह रही है जब भी हम आवाज उठाते हैं तो धमकियां मिलती है। वही रामराज जहाँ पे बाबा योगी की सरकार है, जो हमेशा दावा करती है कि हम महिलाओं को सुरक्षित करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप लोग तो अभी सुनी रहे, और क्या क्या चीजें, जब तक सरकार तो कह रही है, देखिए अभी अतीक अहमद को मार गिराया है, उतना बड़ा अपराधी था। अब हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, हम लोग अपने बारे में बता सकते हैं। हम अगर अतीक अहमद को इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी मार दिया गया, पर एक आशा को क्या सुरक्षा मिल रही है? वो 12 बजे रात को अपने घर परिवार को छोड़ के निकल रही है सर, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है? क्यों अतीक अहमद को मारा जा सकता है? हॉस्पिटल पर आशा के ऊपर कोई हमला नहीं हो सकता है? आशा के कोई विरोधी नहीं हो सकते हैं? इसलिए सरकार को कोई ना कोई सुरक्षा हम लोग को देनी चाहिए। हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं हॉस्पिटल पर, हम लोग प्रसव ले जाते हैं 24 घंटा ठंड में गर्मी में हम लोग खड़े रहते हैं। कहते हैं घर घर जा करके हम लोग बताते हैं, आप लोग मसारी लगाइए, फूल बांह का नरखा पहना कर बच्चों को सुलाइए, सबको जागरूक करते हैं। हम अपना खून जा करके मच्छरों से चुसाते हैं LPLC पर। क्या सुविधा दे रही है सरकार? हम लोग को न बैठने का कोई कुर्सी है, न हम लोग को कहीं ठहरने का जगह है, न हम लोग का खाने पीने का ठहर है। अगर 24 घंटा मरीज के साथ हम लोग उसी तरह रह जाते हैं। प्रयास कितनी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश से आई हुई? बहुत ज्यादा संख्या में आई हैं, हर जगह से आई हैं। धमकाया गया है, संख्या इसीलिए कम आई है, हर जगह से धमकियां मिली है, तब ऐसा इस समय कम में आई हैं। इसी तरह रहेगा तो हॉस्पिटल हम लोग रोकेंगे, और डिलीवरी प्रसव सब हम लोग बंद करेंगे, ताला मार कर। आ देखना, डर नहीं लग रहा है आपको? नहीं डर भाई, मारना है तो मार देना, हम लोग का डर नहीं है। मरेंगे तो कुछ तो नाम तो होगा जो मारेगा, कोई लेने वाला क्या लेकर जाएगा? वो भी कोई मारेगा तो वो भी किसी दिन मर जाएगा, मगर हम लोग डरने वाले नहीं है। एक न एक दिन तो सबको जाना है। हम लोग इतना सोचते हैं मारने के लिए तो क्या 12 बजे 1 बजे हम फील्ड में निकलते हैं? अगर हम लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो उसी अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि महिलाओं के अंदर रात दिन हम लोग काम करते हैं, उसकी मजदूरी कुछ भी नहीं करे। मजदूर आता है 300 रुपया लेकर काम करके लेकर चला जाता है, फिर भी हम लोग को 75 रुपया 10 रुपया 20 रुपया यही मिलता है, सारे वहाँ से पैसा सारे लोग खा जाते हैं। उन लोग को डर नहीं लगता, हम लोग कितनी तपस्या करते हैं।
आप लोग देख सकते हैं, यूं ही महिलाओं को जननी नहीं कहा जाता है। इन लोगों में इतना बल है, धमकी मिलने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे आए। हालांकि बहुत सारी महिलाएं डर की वजह से नहीं आई हैं, इन लोगों को धमकी मिल रही है कि अगर आप लोग प्रदर्शन करेंगे हमारे खिलाफ तो हम लोग आपका अपहरण करा लेंगे, आपको मार देंगे। लेकिन इनका कहना है कि कितने को मारेंगे, हमें मारेंगे तो इसी वजह से हमारा नाम तो हम डरेंगे नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि रामराज की ये तस्वीर है, जहाँ पे सरकारें दावा करती है कि योगी सरकार, मोदी सरकार हमेशा दावा करती है कि हम जो है महिलाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। यहीं पे महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस कर रही है, वही रामराज में असुरक्षित महसूस कर रही है, वहीं पे धमकियां मिल रही है महिलाओं को। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।